कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां, कैसे आएंगी राजनीति में आगे, कैसे बढ़ेंगे राजनीति में कदम, ये है ब्यावर के दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं जो अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव राजनीति का पहला पायदान है। युवा यहीं से राजनीति में कदम बढ़ाते हैं और लोकतांत्रिक मतदान की प्रक्रिया भी यहीं समझते हैं। यहीं उन्हें चुनाव की पूरी जानकारी होती है और पहली बार मतदान भी यहीं करते हैं। इन दिनों प्रदेश में कॉलेज इलेक्शन हो रहे हैं, इसे लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स का उत्साह भी चरम पर है। मगर ब्यावर के डीएवी कॉलेज की इन छात्राओं के मन में मायूसी और चेहरे पर गुस्सा है। वो भी क्यों ना, बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले जिम्मेदार लोगों ने इन बेटियों के सपनों को कुचलने का कृत्य जो किया है। दरअसल ये छात्राएं भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर इंदिरा और वसुंधरा की तरह राजनीति में आगे आना चाहती थी, मगर इनके साथ हुआ क्या, सुनिए इन्हीं की जुबानी। हमारे सर बोल रहे 25 तारीख को लास्ट डेट थी, लेकिन मैं एक पहले 24 तारीख को मैं ऑरली फॉर्म मांगने गई थी, मेरे को फॉर्म नहीं दिया। फिर मैं 25 तारीख को रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के दी तो भी मेरी बात नहीं सुनी गई, और ऊपर से मेरे को बोल रहे हैं कि 25 तारीख को लास्ट डेट थी और फॉर्म नहीं भरा आपने। लेकिन इन लोगों ने 25 तारीख को रात को 9:30 बजे 10 बजे सब लोगों को फोन करके बोल रहे हैं सीआर पद के लिए आप अगले दिन 26 को इलीगल तरीके से त्यौहार के दिन छुट्टी के दिन बुला रहे हैं और फॉर्म भरा रहे हैं, तब वो लास्ट डेट नहीं थी क्या? तो अगर वो चुनाव उनके हो सकते तो अध्यक्ष और बाकी पदों के भी वापस चुनाव हो सकते हैं, और हमें निर्विरोध चाहिए ही नहीं, और निर्विरोध करा रहे तो पब्लिक से तो बच्चों से तो पूछ ही नहीं रहे ना, अपने मन से मैनेजमेंट वाले अपने मन से ही चुनाव कर रहे हैं और किसी का भी ना सपोर्ट नहीं है इनमें। हम तो उन चार लड़कियों को भी नहीं जानते कि जो है कौन, हमसे किसी से भी राय नहीं ली, यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं पता था कि कल तक ये सब अध्यक्ष बन चुके हैं। छात्र संघ चुनाव में ज्योति ने भी अध्यक्ष बनने का सपना संजोया था, मगर कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के कारण इस बेटी के सपने चकनाचूर हो गए। महाविद्यालय चुनाव प्रभारी ने सफाई देते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवाई गई है, कॉलेज में चुनाव निर्विरोध हुए हैं, इसमें सिमरन बागड़ी को अध्यक्ष, रेखा गहलोत को उपाध्यक्ष, मधुरिमा ग्वाला को महासचिव और हर्षा खत्री को संयुक्त सचिव घोषित करने के अलावा 13 कक्षा प्रतिनिधियों को भी निर्वाचित निर्विरोध घोषित किया गया। छात्र संघ चुनाव 2018 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत 25 अगस्त 2018 को दोपहर में 1 बजे तक जिन जिन छात्राओं ने अपने नामांकन दाखिल किए उन सभी के नामांकन की पत्र की जांच कर की गई। सही पाए जाने वाले प्रत्याशियों के नाम हमने सूचना पत्र समय पर लगाए थे और उसी के अंतर्गत फिर उनका किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ और इस प्रकार निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। दयानंद महाविद्यालय में हुई निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉलेज में एक भी पद पर किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया? जब ज्योति जैसी अन्य छात्राएं चुनाव लड़ना चाहती थी तो कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें नामांकन क्यों नहीं दाखिल करने दिया? अगर कॉलेज प्रबंधन को अपनी मनमानी से ही घोषणा करनी होती है तो निर्वाचन प्रक्रिया का दिखावा क्यों किया जाता है? बेटियों का दर्द सुनने के बाद शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। दयानंद कॉलेज प्रबंधन की मनमानी सोशल मीडिया पर भी विवादों में आ गई है। हमें तो इंसाफ चाहिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहयोग और संस्कारों की बातें करने वाले इस कॉलेज में बेटियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। यहाँ कॉलेज प्रबंधन कोमल सी बेटियों को कमजोर समझने की भूल कर रहा है। जिस प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है, उसी प्रदेश की इन बेटियों की आवाज को दबाने जैसा अन्याय निंदनीय है। शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को ऐसे मामलों में दखल देकर दयानंद कॉलेज जैसे निजी संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगानी चाहिए। ब्यावर से बबलू अग्रवाल के साथ सुमित सारस्वत की रिपोर्ट।